कुछ जो अभी दिखा रही थी वो कुछ कॉटन बहुत ही अच्छे मटेरियल्स और कुर्ते हैं जो कुछ भाभी ने गिफ्ट किया था और जो मैं खुद लेके आई हूँ। और ये ना मम्मी ने दिया हुआ है पर भाभी का चॉइस है और मेरा भी। तो ये हमारे यहाँ का ना बेस्ट जो पट्टो सारीस होता है ना साड़ी तो वो है। और इतना मतलब पट्टो सिल्क जैसा ही है, कॉटन है सिल्क है तो एक कॉम्बिनेशन का है। और हमारा उड़ीसा में ये फेमस है। और ये ना बहुत पहले जो 2020 जो ईयर था उससे पहले इसका रेट थोड़ा रिजनेबल हुआ करता था, वो भी मैं डिफरेंस आपको बताऊंगी। और 2020 के बाद जो डिफरेंस आया है ना वो बहुत ही ड्रास्टिक है, तो मैं आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस करके बताऊंगी। और ये आपको कैसा लग रहा है आप बताइए। और मुझ पर तो बहुत सूट कर रहा है, मैंने फ़ोटो भाभी ने भेजा था तो उसी से ही सिलेक्ट किया है। बहुत सारे पिंक था, ग्रीन था, ब्लू था, रेड था, ब्लैक था और पर्पल था और ग्रीन में भी थोड़ा पैरट ग्रीन जैसा था और एक जैसे लीफ ग्रीन तो उसमें से वो भी एक ऑप्शन था। तो इन सारे कलर्स में और कॉम्बिनेशन में डिज़ाइंस में मैंने ये सिलेक्ट किया है। और ये कॉपर सल्फेट जो है ना वो उसका वो जैसा ब्लू कलर है। और जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर तो ऐसा है थोड़ा वाइड है। और ये जरी वाला बॉर्डर नहीं है, पूरा थ्रेड है, मैं पास से भी दिखाऊंगी। और जो इसका ना आंचल है मैं दिखा देती हूँ, पल्लू वो तो बहुत मतलब ये ओरिजिनल जो हमारे उड़ीसा में जो थ्रेड रहता है ना, हैंडवर्क रहता है, हैंडवर्क करते हैं मतलब हाथ से ही बुनाई करते हैं उसी तरह का ये है मटेरियल। और जो बॉर्डर है ये ऐसे दिख रहा है। मरून और ब्लू का कॉम्बिनेशन है। इसका जो ब्लाउज है प्लेन है पर हैंड में थोड़ा भाभी को बोला था मैंने, उन्होंने स्टिच करवा दिया था। तो मरून है और थोड़ा ऐसे ये वाला जो बॉर्डर में जो डिज़ाइन है ना वो थोड़ा स्लीव्स में है, थ्री फोर तो नहीं, थोड़ा लंबा जैसे ऐसे बनाते हैं ना उसी तरह का ब्लाउज बनवाया है। पर ये देखिए इतना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन और इसके ऊपर सबकी नज़र है। तो मैं जब पहनूंगी तब आप पूरा मतलब आपको पूरा देखने मिलेगा। आगे बहुत कुछ फंक्शंस फेस्टिवल्स आ रहा है तो इसी में से किसी एक ओकेशन में मैं पहन लूँगी। पर वही मैं सोच रही थी कि मैं आपको इसका मैं वर्थ एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रही हूँ, पर जब पहनूंगी तो आपको पूरा देखने मिलेगा, तब आपको पता चलेगा कि इसका वर्थ क्या है। और इसका जो प्राइस मैं बताऊँगी ना तो आपके तो मतलब शॉक ही लगेगा और आपको मतलब सरप्राइज भी लग सकता है। तो अराउंड 12,000 है इसका, मतलब जो मुझे पड़ा वो भैया तो बता रहे थे कुछ 14-15,000, पर बहुत सारे मम्मी के लिए, भाभी के लिए, मेरे लिए, भाभी के मम्मी के लिए, भाभी के भाभी के लिए तो बहुत सारे पीसेस खरीदा हुआ है ना, तो थोड़ा डिस्काउंट मिला के इसको 11,500 में पड़ा मुझे नेट, मम्मी ने ही दिलवाया है। अभी मैं गई थी तो मम्मी ने गिफ्ट दिया है ये। और इसका मैं ब्लाउज दिखाऊंगी और पास में से आपको देखने पता चल जाएगा कितना सिल्की, मतलब प्योर सिल्क पट्टो सिल्क जो है ना वो बिल्कुल वैसा ही है, कितना स्मूथ मटेरियल है। और ये जैसे मैं बता रही थी ये पूरा जो ओरिजिनल थ्रेड है ना वही है, संबलपुरी पट्टोस बोलते हैं। तो उसका तो प्राइस ब्लू पट्टो का आपको पता चल गया होगा, पर ये मैं जो दिखाने जा रही हूँ वो 2020 से पहले लिया हुआ था, वैसे ही है पर डिज़ाइन में, कलर में और वर्क में जो है, एंड जो हैंडीक्राफ्ट वर्क जो होते हैं ना, जो हाथ काम जो होते हैं, हाथ की कारीगरी जो होते हैं ना,
वो थोड़ा अलग है, पर उस टाइम में 2017 ऐसे, तो उस टाइम में ये 5,000 ऐसे कुछ पड़ा था। और डिज़ाइन ब्लैक में है पल्लू। और वो जो संबलपुरी पट्टोस का ये जो रहता है, ये बॉर्डर मेन रहता है, तो ये भी मैं पहनूंगी आने वाले जो फेस्टिवल्स में। और इसका ये ब्लैक कलर का ब्लाउज है, और स्लीव्स में थोड़ा ये भी प्योर थ्रेडी है, ये वर्क है। कितना ब्राइट है ना, ब्राइट दिख रहा है, और ग्लेज भी है, तो इसका ये स्पेशलिटी रहता है। और उसके हिसाब से प्राइस भी, वो जो रेंज है वो वैरी करता रहता है। ये जो पट्टो सारी वो सब रखने के लिए सारी कवर भाभी लेके रखते हैं, तो वो मम्मी और मुझे एक एक मिलता है। ये ना इसका ना फोल्ड खराब हो जाता है, तो पूरा खराब हो जाता है, जैसे प्लिट्स जो निकलता है पहनने के बाद, तो वो अच्छे से नहीं निकलता। तो ये एक अच्छा ये है, कवर भी होगा और साइज मेंटेन भी रहेगा इसका, जो फोल्डिंग से मेंटेन रहेगा। तो ये जो साड़ी का कवर वाला जो है ना, ये अमेजोन में ऑनलाइन में मिल जाता है, मतलब डज़न के हिसाब से, और आपको जितना मतलब क्वांटिटी चाहिए उसके हिसाब से मिल जाता है। मैं अभी एक फंक्शन अटेंड करने के लिए गई थी ना, आपने देखा होगा वो वाला वीडियो, तो वहाँ से भाभी ने गिफ्ट दिया है वो, ये गाउन गाउन है लॉन्ग फ्रॉक जैसे, नीचे से डिज़ाइन है, और कमर में ऐसे थ्रेड है। पूरा डिज़ाइन ऐसे रहेगा। आजकल तो ये पहनते हैं ना ज़्यादातर, और मैं भी घर पे ये भी उसी तरह का एक है, पर ये प्योर कॉटन है, ये थोड़ा ये दूसरे टाइप का कॉटन है, स्पैंडेक्स मिक्स्ड। ये तो स्लीवलेस था, और स्लीव सेपरेट दिया हुआ था, तो मैंने स्टिच करवा दिया है। इसका प्राइस 999 है, तो 1,000 ऐसे है। और स्लीव स्टिच करवाने के लिए 60 रुपीज़, एक जो स्लीव अटैच करने के लिए 30, और दूसरे के लिए 30। यहाँ पे एक भैया रफ करने के लिए बैठते हैं ना, तो वो वहाँ पे ही मैं अटैच करवाती हूँ, तो 60 रुपीज़ एक्स्ट्रा, 1,050 ही पड़ा मुझे।